नौजवानों की ओर देखता हूं, सबसे बड़ी चिंता आज हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में। अगर नौजवान का ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। आज सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सारी चुनौतियां हमारे प्रदेश में हैं, पर मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य का है। 1 करोड़ नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये आज प्रदेश की हालत है। और शिवराज सिंह जी 18 साल के बाद हर साल हर 11 महीने कहते हैं मैं 1 लाख की भर्ती कर रहा हूं। 11 महीने पहले का 1 लाख की भर्ती होने वाली है। मैं तो शिवराज सिंह जी से कहता हूं 1 लाख छोड़िए, आप जो अतिथि शिक्षक हैं, जो रिक्त पद हैं, उन्हें ही भर दीजिए। पर आज ये सड़कों में जो हालत है ये आप सबके सामने है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, घोटाला प्रदेश। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में क्या सुनाऊं, हमारे प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी यहां हैं उनमें से, अपने प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है या गवाह है, ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है, पैसे दो काम लो।